अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आज की इस वीडियो में आपको पता है हमारे पास चार्जर्स आए, ब्रांडेड चार्जर। आज की वीडियो जितनी छोटी है उतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो वीडियो स्किप करेगा उसके लिए बेनिफिट कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट चार्जर बता रहे हैं। कुछ चार्जर्स ऐसे हैं जो कि और व्लॉगर्स ने और यूट्यूबर्स ने उसको फेक बताया, लेकिन हम आपको बताएंगे वो चार्जर उन्होंने फेक क्यों बताया, मिसगाइड किया। तो आपके लिए बिल्कुल गाइडलाइंस होगी इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव डील्स इन्फॉर्मेशन हासिल करने चाहते हैं तो जरूर इसको सब्सक्राइब करके साथ साथ बेल का आइकन ऑन कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस आपको मिल सकेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। इस वीडियो के साथ हम आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल और बिल्कुल आपको ऐसे वेरीफाई करेंगे, आपको खुद नॉलेज हो जाएगी कि एक चार्जर को किस तरह से टेस्ट करते हैं। तो आपके सामने चार्जर्स तो बहुत सारे नज़र आ रहे होंगे, अमेरिकन, जापानीज, चाइना, सब चीज़ नज़र आ रहे होंगे, लेकिन उसको टेस्ट करने का तरीका क्या है। ये एक एप्लीकेशन है जो कि आपको मिल जाएगी प्ले स्टोर से, इसको आप डाउनलोड कर लो। डाउनलोड कर लो, इसके बाद इसको ओपन कर लो। यहाँ से ही ओपन हो गई, ठीक है। अब मेजरिंग पे आ गया। अब सबसे पहले आपको हम चार्जर भी बताते रहेंगे, इसके साथ साथ इसकी प्राइस भी बताते रहेंगे, चार्जर कौन सा किस कीमत में मार्केट में मिला था। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सारे फोन्स हैं इस एप्लीकेशन को हम चेक करने वाले हैं और ये किस तरह के वर्क करेगी आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एक्सपीडी का, आपको ये एक्सपीडी का चार्जर 18 वोल्ट का मिलता है, तकरीबन 800 रुपये का मार्केट के अंदर। हमारे पास उससे भी कम कीमत में मिल जाएगा, बट इसके अंदर ये है 18 वोल्ट का चार्जर होता है, जो कि गूगल पिक्सेल वगैरह के सेट्स के अंदर, सोनी एक्सपीडिया के सेट्स के अंदर ये वर्क करता है। अब इसको हम लोग इसमें फिट करते हैं, लगाते हैं और मेजरिंग देखें कितनी हो रही है मेजरिंग। मैं तो ये देख सकते हैं, इधर रख लेता हूँ ताकि आपको सही से नज़र आ जाए ये कितने एम्पेयर दे रहा है। यहाँ पर आपके सामने 2690 तक यहाँ जा चुका है, 2700 इसका मैक्सिमम है अभी तक का, ठीक है। बस ये इतनी दे रहा है, इससे ऊपर जा नहीं रहा है। 2700 मैक्सिमम, मिनिमम आपका 2620, इतने ये देगा एम्पेयर। अब इसके अलावा अब एम्पेयर से भी आपको पता चल जाता है कि जितने एम्पेयर ज़्यादा होंगे फ़ोन उतना अच्छे तरीके से चार्ज होगा। इसकी मैंने आपको प्राइस बता दी। अब एक चार्जर जो है पूरी मार्केट के अंदर एक व्लॉगर सप्लाई कर रहा है, डील्स के साथ दे रहा है, वो ये सोनी का चार्जर है। यहाँ पर भी सोनी लिखा हुआ है, यहाँ पर भी सोनी लिखा हुआ है, लेकिन ये सोनी प्रिंट हुआ हुआ है, प्रिंट। ये ओरिजिनल सोनी का चार्जर नहीं है, ये चाइना का चार्जर है, जिसका मॉडल, जिसका नेम ग्रीन हर्ट है। लेकिन ये कोई ग्रीन हर्ट के नाम से कोई चाइना की ही एक वो होगी मैन्युफैक्चर्ड, बट ये ओरिजिनल चार्जर नहीं है। और ये आपको मैं लगा के भी चेक करवा देता हूँ कितने ये वो देगा एम्पेयर वगैरह, कितने दे देगा, ताकि आपको इसका पता चल रहा है ओरिजिनल नहीं है। ये आपके फ़ोन के ऊपर सिर्फ चार्जिंग देगा, फास्ट चार्जिंग नहीं देगा पहली बात, और इसकी मेजरिंग स्टार्ट की है हमने। अच्छा, इसकी मेजरिंग देखें कहाँ से स्टार्ट हो रही है। अभी तक का इसका 510 490, बहुत ही लो, यानी अपने एक्सपेडिटी का जो 800 रुपये का चार्जर होता है ये उससे भी गया गुजरा है, बहुत ही कम है। तो इसलिए इस चीज़ से धोखा मत खाइएगा, कोई आपको डील्स वगैरह में भी ये चार्जर प्रोवाइड कर रहा हो केबल के साथ तो ये मत लीजिएगा, ये चार्जर इतना खास नहीं है, आपके फ़ोन को भी नुकसान पहुँचाएगा। मैंने आपको प्रैक्टिकली वेरीफाई किया है, लगा के चेक करवाया, इसको पहचान लो ये कौन सा चार्जर है, ठीक है। और ओरिजिनल सोनी का चार्जर देखना है तो वो मैं आपको दिखा दूंगा इसी वीडियो में। एक चार्जर मैंने आपको ये दिखाया है, जो कि मैंने आपको बताया कि ओके चार्जर नहीं है आप लोगों के लिए, ये 500 रुपये का भी महंगा चार्जर है। मुझे लगता है इससे तो कोई कीपैड वाला फ़ोन ही चार्ज करेगा, क्योंकि कीपैड वाले फ़ोन के अंदर इतनी सी बैटरी होती है, जो कि चार्जर की भी आप समझ सकते हैं इसके अंदर ताकत भी इतनी है। ओरिजिनल सोनी का चार्जर ये होता है जो बॉक्स के अंदर से निकलता है, और इसकी कीमत, ये पीडी चार्जर होता है, उसकी कीमत आपको मिलती है 2000 रुपये। ये ओरिजिनल चार्जर 2000 रुपये का मिलता है, ये अर्थ की भी पिन दी गई है इसके अंदर, ठीक है। और ये ओरिजिनल चार्जर होता है जो सारे फोन्स पे काम करते हैं। आप सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 3 अब तक का लेटेस्ट और हैवी फोन है, उसमें भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये 2000 रुपये का आपको मिलता है। इसके बाद एरो का चार्जर चला था, एक यूट्यूबर ने इसको यूरो बोला है, यूरो नहीं होता, यूरो के अंदर EU आता है, जो कि यूरोप जिस तरह से बोलते हैं हम लोग, तलफ़ होता है यूरोप, तो उसके अंदर EU होता है, और इसके अंदर ईरो है। तो ईरो का ये 27 वोल्ट का चार्जर है, बहुत ज़बरदस्त। अब तक की प्राइस 800 रुपये चल रही थी, आगे जाके इसकी 1000 रुपये प्राइस हो जाएगी। ये हमारे पास बिल्कुल आपको मिल जाएगा ये चार्जर, और मैं आपको इसकी मेजरिंग करके बता देता हूँ ये कितनी मेजरिंग पे इसके
एम्पेयर वॉट देगा। अब ये स्टार्ट हो गई, ठीक है। 27 वॉट का चार्जर है, बेहतरीन चार्जर है अब तक का। ये देखें, वहीं से 27 से स्टार्ट हुआ है। इसका मिनिमम भी 2700 आ रहा है और मैक्सिमम भी 2700 आ रहा है। इसके बाद हम लोग और भी चार्जर आपको चेक करवाएंगे, जैसे कि मोसो चार्जर है। जिस यूट्यूबर ने इस ईरो चार्जर को यूरो बोला है, बहुत गलत बोला है एक तो, और उसने उसके पास ईरो का स्टॉक आ गया, तो उसने दूसरे चार्जर को गंदा कर दिया कि भाई एरो अच्छा है, ये ले लो। और दूसरा चार्जर जो तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो भी याद रखिएगा, उसने उसको अगर स्टॉक किसी के पास आ जाता है तो वो दूसरे पुराने वाले चार्जर को बदनाम कर देता है, और नया वाला जो चार्जर, हाँ भाई वो अच्छा है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखें इसके अंदर ईरो में कितनी ताकत थी, 2700 तक मैक्सिमम गया और मिनिमम आपका 2400 तक रहा, ठीक है, या पीछे जा रहा है ये। अब इसको भी हम निकाल देते हैं, ये वैसे कंप्लीट करना पड़ रहा है ये पूरा, लेकिन मैक्सिमम जब आपके सामने आ जाता है तो उससे वेरीफाई हो जाता है। लास्ट उसी यूट्यूबर ने इस मोसो चार्जर को बदनाम करा, तो भाई ये चार्जर सही नहीं है, ये लगा लोगे तो सारी जिंदगी यही लगाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब स्टॉक आपके पास उस यूट्यूबर के पास ईरो का आ गया तो उसने मोसो को बोला फेक, लेकिन ये फेक चार्जर नहीं है। जो भी क्रोमबुक इस्तेमाल करने वाले हैं उनसे पूछो, जो मोबाइल इस्तेमाल करने वाले उससे पूछो, V60 LG के जो इस्तेमाल करने वाले आप उनसे पूछो, वो लेने वाले यही चार्जर वो यही लेते हैं। ये 36 वॉट का ओरिजिनल चार्जर होता है। अब हम आपको मोसो का ये चार्जर लगा के दिखाते हैं जो कि 36 वॉट का है, और इस एप्लीकेशन के ऊपर ट्राई करवाते हैं कि कितनी ये आपके परफॉर्मेंस देगा, ठीक है। तो हमने इसको यहाँ लगा लिया, चेक कर सकते हैं। अब इस एप्लीकेशन के अंदर हम लोग ट्राई करवाते हैं आपको, ये माइनस में इसलिए जा रही है कि इसके अंदर कोई चार्जर कनेक्ट नहीं है, तो हमने इसको इसमें लगा दिया। अब देखें इसके अंदर पावर कनेक्टेड, और यह मेजरिंग पे आ चुका है, ठीक है। और ये देखें ये 2500 से स्टार्ट हुआ है, यानी इसके अंदर 2530 का मैक्सिमम मिनिमम जो बैक पे जा रहा है, सबसे पहले मैक्सिमम आता है फिर मिनिमम की तरफ ये जा रहा होता है, 2540 लास्ट इसका रेटिंग आई है, ठीक है। तो ये चेक कर सकते हैं रेटिंग क्या है। अच्छा ये चीज़ है ना, ये मेजरिंग ये पूरी होनी चाहिए, कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपको मैक्सिमम मिनिमम का पता चल जाएगा। इसके बाद एक और चार्जर है, हम उसके लिए ट्राई करते हैं, लेकिन कहने का मतलब यह था इस चार्जर को जिसने भी बदनाम किया है, फेक बोला है, वो गलत बोला है, ये बिल्कुल ओके चार्जर है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अच्छा ये कम अज़ कम कितना दे रहा है, 2050, और मैक्सिमम दे रहा है 2540। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, जिसका 18 वॉट भी सपोर्टेड है, इसका मतलब ये 18 वॉट 20 वॉट भी सपोर्टेड है और 25 वॉट तक भी सपोर्टेड है। और ये वैसे तो 36 वॉट का चार्जर है, लेकिन मेरे फ़ोन के अंदर 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग है, इसलिए मैक्सिमम 25 वॉट तक का इसको चार्ज दे सकता है, इससे ऊपर इसको चार्ज नहीं देगा। लेकिन अगर 36 वॉट की कैपेसिटी इसके अंदर मौजूद होगी तो ये 36 वॉट भी इसको प्रोवाइड करेगा, इसको चार्ज कर देगा। इसके बाद लास्ट, इन सब चार्जर्स में से सबसे सुपर और सबसे ऊपर, हमने कैटलॉग के अंदर ही अपनी व्हाट्सएप कैटलॉग के अंदर प्रोडक्ट्स के अंदर भी लगा रखा है, ये 1500 रुपये का चार्जर है, लेकिन आपको हम देंगे सिर्फ और सिर्फ 1200 रुपये का, अलग से आप परचेज करते हो तो। वैसे तो ही हमारी डील्स वगैरह में भी चल रहा है, काफ़ी फोन के साथ हम इसको डील में प्रोवाइड करके दे रहे हैं। 27 वॉट का चार्जर है, मेड इन दी फिलिपाइंस यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है, ये चेक कर सकते हैं। और इसमें जो ये होल दिया है ओरिजिनलिटी की निशानी होती है, ओरिजिनल चार्जर की होती है। इसको हम रख देते हैं, लगा देते हैं सॉरी यहाँ पर, ठीक है। और इसको मैं खोल के इसके अंदर इसको प्लग इन करता हूँ, इसका चार्जर का आप वो देखना कितने मेजरिंग पे कितना जाता है। सॉफ्ट बैंक का जैपनीज चार्जर, मेजरिंग हो रही है, थोड़ी देर के अंदर ही आ जाता है वो कितने आप ऊपर जाएगा कितना नीचे आएगा, ये देखें यानी मिनिमम और मैक्सिमम कितना दे सकता है ये। दो इसमें आ रहा है 2480, यानी ये 27 वॉट का चार्जर है, और मेरा फ़ोन जो है वो 2500 तक मैक्सिमम इसके अंदर पावर दे सकता है, ये चार्जर इसके अंदर कैपेसिटी इतनी रखता ही है, लेकिन 18 वॉट तक का है इसलिए ये 1800 पे जाके मिनिमम करेगा, कम से कम पे भी जाता है तो 1800 तक का चला जाएगा, 1900 पे जाएगा फिर 1800 पे चला जाएगा, ये इसकी कैपेसिटी का होता है, ये इसका आप चेक करने का तरीका है जो कि आप समझ लें। लेकिन अगर आपको लेना हो तो ये चार्जर आपको 1200 रुपये का आपको मिल जाएगा,
और इसको हम बंद करते हैं क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो चुका है, हमने सारी चीज़ें समझा दी आपको। लेकिन आज की इस वीडियो में जो तो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि हमने आपको प्रैक्टिकली सारा समझाया है, इस चार्जर के बारे में सब बताया है। ये मोसो का चार्जर होता है, बेहतरीन चार्जर होता है। अगर आपको ये समझ में आता हो ये ले लो, ये एक मरतबा फिर मैं आपको आज वीडियो के अंदर रिमाइंड करवा देता हूँ इसकी प्राइजेस। तो आज बता देता हूँ आपको मैं, ये 800 रुपये का मार्केट में मिल रहा है जिसका नाम है एक्सफिनिटी। ये एक्सफिनिटी का चार्जर होता है, 800 रुपये का मार्केट में मिल रहा होता है, 18 वोल्ट का चार्जर होता है। ये आपको 800 रुपये का मिलेगा तो हम आपको 600 रुपये का देंगे हम अपने पास से। अच्छा, एरो का चार्जर जिसको यूरो बोला जा रहा है, गलत बोला जा रहा है, उस व्लॉगर को भी समझाओ भाई। और एक और चीज़, यूरो और मोसो की जो वीडियो जिसने बनाई है उस व्लॉगर का नाम हम कमेंट के अंदर लाजमी पेश करना, बताना मुझे कि वो कौन है ताकि और लोगों को भी पता चले। मैं उसका नाम नहीं ले सकता अभी, लेकिन आप ज़रूर कमेंट कर देना। एरो चार्जर 27 वोल्ट का है, आपको मिलेगा 1000 रुपये का, 1000 रुपये का। मोसो चार्जर जो है आपको डिलीवरी के साथ 2000 रुपये का मिलेगा, डिलीवरी लगा के देंगे इसकी। यानी अगर आप कोई यहाँ से ले लें मेरी शॉप से आके तो उसको हम दे देंगे ये 1700 रुपये का चार्जर, लेकिन डिलीवरी के 300 रुपये लगेंगे तो वो डिलीवरी के साथ 2000 रुपये का। सॉफ्ट बैंक ओरिजिनल चार्जर 27 वोल्ट जिसका मैंने लास्ट लास्ट में आपको बताया, ये आपको 1200 रुपये का मिलेगा। सबसे बेहतरीन चार्जर है, मेरे पास काफ़ी टाइम से ये यूज़ हो रहा है। इसके बाद आपको बता देता हूँ, एक व्लॉगर ने ये सोनी का चार्जर बताया है, लेकिन ये चाइना का चार्जर है जिसकी कैपेसिटी बहुत ही कम है, जो कि कीपैड वाले फ़ोन में, आपको फ़ोन दिखा देता हूँ, ऐसा कीपैड वाला फ़ोन हो आपके पास बिल्कुल ऐसा, देखें ये बहुत टाइम पुराने का सेट, पुराना सेट है मेरे पास। अगर आपके पास ऐसा कोई सेट हो ना तो उसके लिए, इसके लिए ये चार्जर अच्छा है, लेकिन स्मार्टफोन बड़े फ़ोन के लिए ये चार्जर अच्छा नहीं है, उसको आपकी बैटरी ख़राब कर देगा। तो कहने का मतलब ये 500 वाला चार्जर जो डील्स वगैरह में मिल रहा है ये 500 का भी नहीं है, ये आपको 300-400 में, 200 में मिल जाएगा मार्केट में, खुद जाके ढूंढेंगे जब भी मिल जाएगा ये आप खुद जाके ढूंढेंगे मार्केट के अंदर, आपको 100-150 रुपये का भी मिल जाएगा केबल समेत चार्जर। लेकिन ये बहुत ही कम कीमत के अंदर चार्जर है, और अपने मोबाइल को इस चार्जर को लगा के अपने मोबाइल की बैटरी ख़राब मत करो खुदारा। अगर आपको ओरिजिनल चार्जर चाहिए तो मुझसे आप रब्ता करो, ये सोनी का ओरिजिनल ब्रांडेड चार्जर है जो कि पीडी चार्जर और 3.0 फास्ट चार्जिंग होता है, और ये आपके चार्जर को सुपर फास्ट चार्ज करेगा, आपके मोबाइल को सुपर फास्ट चार्ज करेगा, ये आपके मोबाइल को सुपर फास्ट चार्ज करेगा, भले आपके पास सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 3, सोनी एक्सपीरिया 4 Mark 3 भी हो, ठीक है, सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 3 हो या सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 3 हो या सोनी एक्सपीरिया 1 Mark 4 हो, ये सबको चार्ज करेगा सारे ब्रांडेड फ़ोन्स को। इसकी ये पीडी चार्जर होता है, 2000 रुपये इसकी प्राइस है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आपको बहुत मज़ा आया होगा, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, सब चीज़ें बताई हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी ऑर्डर देना है किसी भी चार्जर का, तो हमारी इसी वीडियो के बिल्कुल नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है ऑर्डर नाउ के नाम से, इस पर क्लिक करें, इस चार्जर में से जो भी चार्जर समझ आता है उस पर आपका ऑर्डर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए मोहम्मद फरहान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।